रिटायरमेंट एक्सपेंसेस. नाउ रिटायरमेंट एक्सपेंसेस में आप दो तरीके से कर सकते हो, आई एम श्योर ये आपने इंश्योरेंस में अभी तक पढ़ लिया होगा. वन इज इनकम रिप्लेसमेंट एंड सेकेंड इज एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट. आप जब यू नो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट कॉर्पस मतलब व्हाट शुड बी द सम अश्योर टुडे, है ना, आप क्लाइंट को बोलोगे ना कि सर यू नीड टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस टुडे, वो कहां से आएगा? नॉर्मली जो बहुत पॉपुलर मेथड्स हैं वो तीन मेथड है, इनकम रिप्लेसमेंट, एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू. ठीक है, यू नो या वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना ज्यादा समझ भी नहीं सकते, समझना है तो बहुत रिसर्च की जरूरत है. बट नॉर्मली क्या होता है कि इनकम रिप्लेसमेंट मेथड इज सिंपल. सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं 25,000 महीने का कमा रहा हूं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, 25,000 महीने का कमा रहा हूं, 10% मेरी सैलरी ग्रोथ होने वाली है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन इज दैट यू नो एट द टाइम ऑफ एग्जैक्टली बिफोर द मंथ ऑफ माय रिटायरमेंट में कितना कमाऊंगा, है ना. नाउ सालों से ये जो एक्सपीरियंस चलता आ रहा है रिटायरमेंट प्लानिंग का, उसके हिसाब से नॉर्मली ये बोला जाता है कि प्री रिटायरमेंट जितने एक्सपेंडिचर है पोस्ट रिटायरमेंट उसका 70-80% चाहिए होगा. क्यों? हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया है कि जो आपकी लेजर एक्टिविटी वो कम हो सकती है, यू नो आपका क्लोथिंग है, पर्सनल केयर है, वो एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट के सामने आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे, लाइक योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. एज फार एज द करंट IRDA रेगुलेशंस आर कंसर्न, मेडिक्लेम के लिए देयर इज नो अपर लिमिट. यू कैन रिन्यू योर मेडिकल पॉलिसी अप टू 100 ईयर्स ऑल्सो, इवन मोर देन दैट ऑल्सो. सो लाइफ टाइम बोल दिया है, देयर इज नो कैपिंग ऑन द एज फॉर रिन्यूअल. हाँ, एंट्री के लिए शायद कोई कैप हो सकता है, रिन्यूअल के लिए देयर इज नो कैप, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल. एंड दैट इज अ गुड स्टेप, यू नो अ गुड स्टेप टेकन बाय IRDA. सो आपको यह भी देखना है कि अगर आप मेडिक्लेम का यू नो बेनिफिट ले रहे हो तो मेडिक्लेम के लिए प्रीमियम भरना है, है ना. सो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर. बट हम इनकम रिप्लेसमेंट में वो नहीं लेंगे. हम क्या करेंगे, इनकम आज अगर यू नो मेरी 25,000 है तो उस वक्त की मैं पहले इनकम निकालूंगा और जो भी इनकम आएगी उसका 70-80% में इनकम में ले लूंगा. फिर ऑब्वियसली भाई कि यू नो इनकम हर साल इतनी बढ़ती जाती है तो व्हाट इज द वैल्यू टुडे, दैट इज द वे इट इज टू बी डन. एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट में इनकम इज नॉट अ ग्रेट पार्ट. अगर मैं 50,000 भी कमाता हूं तो क्या हुआ, मेरे घर का एक्सपेंडिचर तो 35,000 ही है, सैलरी 35,000 ओनली, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी कैलकुलेटिंग दैट. सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ यू नो फाइंडिंग आउट द कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट. द थर्ड पार्ट इज एस्टिमेशन ऑफ रिटायरमेंट इनकम. नाउ a kind of important aspect when you are planning for retirement. See, जब भी आप decide करते हैं कि you know यहाँ पर आपके Excel की mastery होनी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको actually cash flows design करने पड़ेंगे. क्या होगा, आज आपके एक्सपेंडिचर है, आप फ्यूचर में उसको लेके जा रहे हो कि आज अगर इतने एक्सपेंडिचर है तो फ्यूचर में कितने होंगे एट द टाइम ऑफ माई रिटायरमेंट. उस वक्त आपको ये भी ढूंढना है कि अगर आपका क्लाइंट पेंशनेबल क्लाइंट है, या उसका एम्प्लॉयर उसको पेंशन देता है, या उसने पेंशन प्लान्स लेके रखे हैं, या मानो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को भी पेंशन मिलता है, तो वो एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसमें से उसकी पेंशन की इनकम माइनस कर देनी पड़ेगी, है ना. वो इनकम माइनस करेंगे तो बाकी के इनकम के लिए आपको या बाकी के एक्सपेंडिचर के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा. ठीक है, दूसरा, ऑलरेडी नो क्लाइंट ने बहुत सारी फिक्स एसेट बनाई होगी. जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको रियल एस्टेट बहुत पसंद होता है, सो व्हेनेवर दे हैव सरप्लस दे गो एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. तो अगर आपके क्लाइंट के पास एक आध घर है एक्स्ट्रा अदर देन द रेसिडेंशियल होम, एंड इफ इज प्लानिंग टू यू नो इन्वेस्ट मोर इन द रियल एस्टेट, तो उसको लगता है कि यार रिटायरमेंट तक और दो घर तो मैं खरीद लूंगा, सो इन टोटल आई विल बी हैविंग 3 हाउस. इन दैट केस आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पोस्ट रिटायरमेंट अगर वो दो घर में वो अपने बच्चों को देना नहीं चाहे तो वो दो घर में से रेंटल इनकम भी आएगी, है ना. एंड यू हैव टू एक्सपेक्ट द रेंटल इनकम, मतलब आज अगर इतना रेंट है ये एरिया में तो उस वक्त कितना होगा, जस्ट एन एस्टिमेशन. क्योंकि हर साल आप प्लान रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आज प्लान किया तो सीधा रिटायरमेंट में जाकर यू नो यू बुक्स खोलोगे कि अच्छा ये प्लान किया बताओ आज क्या है. नो, दैट इज नॉट द वे इट इज टू बी डन. सो ये अगर फिक्स एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट है तो फिक्स एसेट आपको इनकम भी जनरेट कर सकती है, और वो इनकम जो आप जनरेट करते हो दैट इज टू बी कंसिडर्ड वाइल यू नो हैविंग एन अप्रोक्सीमेशन अबाउट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देन जैसे मैंने बोला कि अगर पोस्ट रिटायरमेंट में अपनी हॉबी परस्यू करना चाहता हूँ, सो आई एम अ म्यूजिशियन,
म्यूजिशियन में हूँ तो मैं पोस्ट रिटायरमेंट ऑब्वियसली म्यूजिक के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हो सकता है कि यू नो मैं रॉकस्टार बन जाऊँ एट एज ऑफ 60, क्या हो सकता है ना? अगर या रॉकस्टार बन जाऊँ या कोई बैंड में लग जाऊँ, मतलब यू मस्ट बी नोइंग एमटीवी पे कोक स्टूडियो आता है ना, सो इफ आई एम अ गुड म्यूजिशियन आई ऑब्वियसली कैन गो एंड प्ले देयर, राइट? एंड इट्स अ हेफ्टी इनकम दैट आई विल बी अर्निंग. सो ऐसा अगर मेरा कोई प्लानिंग है, यू हैव टू टेक केयर, और वो प्लानिंग के जो इनकम होती है वो अप्रोक्सीमेट इनकम आप रख सकते हैं. ठीक है, बढ़िया. सो ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर की बात आ गई. यू नो आज अगर आप मैच मेकिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, तो ऐसा हो सकता है कि एज फार एज यू नो आपने सारी एक्सपेंडिचर निकाल लिए, पोस्ट रिटायरमेंट जितनी भी इनकम की प्रोबेबिलिटीज थी वो निकाल ली, फाइनली जो एक्सपेंडिचर बचा वो एक्सपेंडिचर की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, दैट विल बी द कॉर्पस दैट यू नीड टू हैव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. और वो कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए से आप एक्यूमुलेशन करते हैं. तो अब ऐसा हुआ कि वो कॉर्पस अगर मुझे इकट्ठा करना है तो आज से मुझे 15,000 की SIP करनी पड़ेगी, ठीक है? पर भाई साहब मेरी इनकम ही 17,000 है, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? सो या डिपेंडिंग अपॉन द करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन, ऐसा हो सकता है कि यू मे हैव सरप्लस, यू मे हैव डेफिसिट. वो जो भी होता है, यू हैव टू मैनेज वेल. व्हाट यू कैन डू, इधर यू हैव टू सोर्स सम अदर इनकम फ्रॉम टुडे, और यू नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंडिचर टुडे. यही करके ऑब्वियसली देखिए, आप अगर आज अपने एक्सपेंडिचर कट करेंगे तो ऑब्वियसली करंट एक्सपेंडिचर के मैं फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा तो ऑब्वियसली कॉर्पस कैलकुलेशन कम हो जाएगा. उसके सामने आज अगर जितना कम एक्सपेंडिचर करेंगे उतना सेविंग बढ़ेगा, जितना सेविंग बढ़ेगा उतना वो यू नो कॉर्पस ज्यादा अक्यूमुलेट होगा. तो इन बोथ द केसेस यू नो आप कंपनसेट कर रहे हो, तो ऐसे अगर थोड़ा सा मैच मेकिंग कर ले तो आपको अच्छा रहेगा. द लास्ट इज एड्रेसिंग रिस्क. Now, at the time of retirement, yeah, you know, post-retirement, addressing risk is very important. Because it's very simple. आज अगर आपको risk आ भी गया, आज अगर आपके साथ बहुत बड़ी you know, mishappening हो गई, तो कोई problem नहीं, because you have you know, huge amount of time left to accumulate wealth again. But post-retirement, you don't have earning capacity. आपको उसी में से चलाना होता है जो आपने इकट्ठा किया है. At that point in time, insurance becomes inevitable. Right? So, जब भी आप रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, जैसे मैंने आगे डिस्कस किया, हमेशा याद रखिए कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा, असेट इंश्योरेंस बढ़ेगा, है ना? उसके अलावा यू नो आपको वो भी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है कि जैसे पर्सनल एक्सीडेंट बहुत हो जाता है, तो आपको सिर्फ इतना प्लान करना है कि यू नो अभी भी जो HNIs है, दैट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस अवेलेबल इन द मार्केट, दैट यू नो जो नॉर्मल HNIs होती है वो 50 लाख का फैमिली प्रोटल लेते हैं, जिसको आप मेडिक्लेम बोलते हो ना, मेडिक्लेम 50 लाख ऑफ कवर फॉर फैमिली, है ना? तो जब बच्चे ऑब्वियसली बड़े हो जाते हैं, 21 या 25 साल का ऐसा कुछ क्लॉज है, 21 या 25 साल के हो जाते हैं, तो दे गेट आउट ऑफ द फैमिली फ्लोटर, और एज सुन एज दे स्टार्ट अर्निंग दे हैव टू बी यू नो थ्रोन आउट ऑफ द फैमिली डेफिनेशन फॉर मेडिक्लेम. बट to be very honest, it's a very, 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 very wise decision to take 50 lakhs of cover from the beginning. क्यों? आज आपको बीमारी नहीं है, आज आप बड़ा सा कवर ले लो, अगर आपने क्लेम नहीं किया तो नो क्लेम के हिसाब से आपका प्रीमियम कम 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 होता ही जाएगा, है ना? और फिर जब बीमारी आएगी तब आपने अगर सोचा तो आपको कोई इंश्योरेंस देगा नहीं. Whenever you are taking cover, you don't have to think about the current situation. You have to say that, you know, normally जो मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है उसमें ऐसा होता है कि 2 साल तक वेटिंग पीरियड होता है, 4 साल तक वेटिंग पीरियड होता है, ये कवर नहीं करेंगे ना, वो कवर नहीं करेंगे ना. तो आपको जब आप इंश्योरेंस देते हो तो आपको अभी की सिचुएशन नहीं देखनी है, आपको ये सिचुएशन देखनी है कि जब आपको इस इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा. सो लाइफ इंश्योरेंस में भी लोग यही बोलते हैं, आज तो मैं सिर्फ 10,000 कमा रहा हूँ यार, 1 लाख का इंश्योरेंस बहुत है. भाई साहब 1 लाख का इंश्योरेंस आज आपकी वैल्यू पे नहीं होता, आप ये होता है कि आप फ्यूचर में जो कमाने वाले हो आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू. तो जब मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करो तो आप ये देखना होता है कि जब आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तब मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना होगा. अगर आप देखें तो यू नो डेटा का अगर हम बात करें तो डेटा में सिंपल बोला जाता है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर आर इंक्रीजिंग वेरी मच, राइट? सो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग एन इंश्योरेंस, टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है? ऑलराइट, फिर
डेथ से रिस्क, तो आप क्या करेंगे, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, क्यों, अर्निंग कैपेसिटी नहीं, इंश्योरेंस का क्या करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एस्टेट प्लानिंग के लिए इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, है ना। तो सिंपल चीज है, देखो आज क्या होगा कि 60 इयर्स एज फार एज फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न, उसमें ऐसा बोला जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी आप पढ़े तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि एज सून एज यू नो द पर्सन इज डन विद हिज अर्निंग कैपेसिटी, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंडिया में लोग क्या करते हैं, इंडिया में लोग फिर भी 70 या 80 इयर्स तक का इंश्योरेंस लेते हैं, क्यों, पता तो है 80 साल में मतलब 80 इयर्स की एज तक कभी ना कभी तो मैं मरी जाऊंगा, तो उस वक्त जो इंश्योरेंस का सम श्योर आएगा दैट विल बी फॉर एस्टेट प्लानिंग, है ना। तो ये तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपने ये कर लिया तो फिर मैंने जैसे बोला था कि आज से आपने SIP करनी है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो करने, वहां पर एस्टेट प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके, राइट, चलिए, आई थिंक दैट्स एंड ऑफ योर फिफ्थ चैप्टर, इससे ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। ऑलराइट, जस्ट यू नो गो थ्रू द पेजेस। Let's start with chapter number 6, that is wealth creation. Now, you know, this is also a simple concept. अगर आपने time value of money पहले पढ़ लिया है, तो I am sure कि यहाँ पर आपको ज़्यादा problem नहीं होगी, because आपने time value of money पढ़ते समय जो भी चीजें consideration में ली है, वो सारी चीजें यहाँ पर theory point of view में reflect हो जाएगी। चलिए, अब to start with, you need to understand what is income and what is wealth. बोले, what do you mean by you know income and what do you mean by wealth? The people who are listening, sorry, कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि करेंटली आपको जो रेगुलर कैश फ्लो मिल रहा है दैट इज योर इनकम, है ना। इट कैन बी रिसीव्ड यू नो थ्रू योर सैलरीज, योर बिजनेस इनकम, योर डिविडेंड, योर रेंट, व्हाटएवर इट इज, है ना। वेल्थ इज अ मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग टू ग्रो, है ना। सो यू क्रिएट अ वेल्थ, यू क्रिएट अ वेल्थ फॉर योर रिटायरमेंट, है ना। आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो, इट कैन बी यू नो बिल्ड थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट आई शुड नॉट से एज अ फाइनेंशियल प्लानर, बट ठीक है, लोग करते हैं। तो रियल एस्टेट है, बुलियन है, प्रेशियस मेटल्स है, यू नो पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, यू नो एंटिक्स है, वाइन है, फॉरेन में वाइन चलता है, ठीक है। सो या सो यू कैन इन्वेस्ट यू नो योर मनी इन यू नो दिस सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो आगे जाके अपनी अपनी जो प्राइस है, अपनी जो वैल्यू है, वो ग्रो करते रहेंगे। एंड दैट इज द वेल्थ। बेसिकली यू आर क्रिएटिंग असेट्स व्हिच कैन जनरेट इनकम इन फ्यूचर, दैट इज वेल्थ। ओके, चलिए, सो इन अ शॉर्ट, सो वेल्थ प्लानिंग इज अबाउट क्रिएटिंग फाइनेंशियल असेट्स, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स and generating income streams that will ensure a continuation of high quality lifestyle post retirement. I'll repeat that. Wealth planning is about creating financial assets or you know physical assets, managing investments, generating income streams that will ensure a continuation of high quality life post retirement. Alright, ठीक है, okay. So, wealth creation कब होता है? While approaching retirement, a person moves from accumulation to distribution, or क्या बोलते हैं, distribution phase बोलते हैं या spending phase बोलते हैं, right? So, you know, जब आप retirement के पास होते हो, क्या होता है, आपने अभी तक accumulate किया, जो अपनी कहावत है ना, जो बोओगे वैसा पाओगे,
है ना। तो अक्यूमुलेशन फेज में आपने जो क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट किया है, जिस तरह से आपने अपना फंड मैनेज किया, जो तरह से आपने अपना वेल्थ मैनेज किया है, उस हिसाब से इट्स वेरी सिंपल, रिटायरमेंट पे आपको वही मिलेगा। सो आपने अक्यूमुलेशन फेज में जो किया है वही आपको स्पेंडिंग फेज में उसका फल मिलेगा। इन अक्यूमुलेशन फेज अ पर्सन इन्वेस्ट हिज सेविंग्स इन अ स्ट्रेटेजिक वे टू अक्यूमुलेट कैश एंड असेट्स दैट कैन जनरेट कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज पोस्ट रिटायरमेंट एंड प्लान अ लेगेसी। लेगेसी मतलब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। So many strategies are available for the accumulation phase, but how they are being applied will make retirement painful or gainful. है ना? तो depend करता है आपके ऊपर, you know, अगर आप 25 साल के इंसान हो तो भी अगर FD पे FD कराए जा रहे हो तो I'm sure आपको problem होगी। बट अगर आप 25 साल के हो, 20 साल के हो, और अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इवन आपकी इनकम का 10 या 20% भी इक्विटी में डाल दिया, यू नो उस टाइम पेपर पे तो नहीं लिख सकता, बट आई एम श्योर यू नो जो हिस्ट्री बोलती है वो हिस्ट्री ये बोलती है कि आपके रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, विद दिस आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट कॉल लाइफ साइकिल। नाउ लाइफ साइकिल में अगर यू नो देखे जाए तो बहुत सारे स्टेज होते हैं। चाइल्डहुड होता है, फिर यंग होता है, फिर यंग मैरिड होता है, फिर यंग मैरिड विद किड्स होते हैं, फिर मैरिड विद ओल्डर किड्स होते हैं, देन यू कम टू यू नो प्री रिटायरमेंट एंड देन रिटायरमेंट, ऐसा सब कुछ होता है। पर उतना बाइफिकेशन हम नहीं करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल में आपकी बुक के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से मेजरली 3 पार्ट्स हैं, दैट इज प्री वर्किंग, वर्किंग एंड पोस्ट वर्किंग। सो प्री वर्किंग में क्या होता है? नो वरीज, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो सिंपल, पापा ये चाहिए, खत्म। अब क्या करना है वो पापा को देखना है, उसको कोई टेंशन नहीं होता है ना। और जो चीज आप उसको लाके देते हो वो 2 दिन में टूट भी जाती है, ही इज नॉट वरीड अबाउट इट बिकॉज उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। देन कम्स वर्किंग। अब वर्किंग में आपको प्लान करना शुरू करना है ना, सिर्फ प्लान नहीं करना है, अक्यूमुलेशन भी करना है। सो प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर प्लान करने से सब कुछ हो जाता तो सब लोग जीवन में खुश होता है, पर ऐसा होता नहीं है। सो वर्किंग लाइफ यू हैव टू प्लान इम्प्लीमेंट योर प्लान्स। सो कैसे आप प्लान करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? बेसिकली यू आर स्टार्टिंग फॉर योर यू नो रिटायरमेंट, स्टार्टिंग योर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, राइट। पोस्ट वर्किंग, पोस्ट वर्किंग इज वेरी सिंपल। आपने अक्यूमुलेशन फेज में जो भी किया है जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो अगर आपने अच्छा बोया है, अगर आपने स्ट्रेटेजी अच्छे से मैनेज किया है, डिसिप्लिन मेंटेन किया है, जिस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपने एग्जैक्टली उसी तरह की स्ट्रेटेजी करी है, तो यू नो योर फ्रूट्स आर वेरी स्वीट, अदरवाइज इट्स पेनफुल। देन कोर प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ प्लानिंग, इट्स वेरी सिंपल। छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता होनी चाहिए, होती ही है। इट्स जस्ट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जैसे मैंने आपको बोला यू नो कि एक सिंपल सा आप नियम कर लो, आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी है, आपकी जब भी इनकम आती है उसका 20% आप इन्वेस्ट कर दोगे। ये एक नियम के साथ चलो, यू विल बी मिलियनर एंड बिलियनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना। सो इट्स वेरी सिंपल। यू नो आप दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, होली पे, जब भी आपको जो भी पांव छूने पे जो भी आपको भेंट सौगाते मिलती है, अगर वो कैश में मिलती है तो हमेशा याद रखिए वो कैश का भी 20% यू कैन इन्वेस्ट, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप पढ़ना चाहते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लेने होते हैं, बट दे डोंट ओनली स्टडी। सो व्हाट दे डू इज पार्ट टाइम थोड़ा सा वर्क करते हैं, थोड़ा अपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं और बाकी का टाइम पढ़ाई करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इवन 100 रुपीज आप अर्न करो, नो प्रॉब्लम, द अमाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। 100 रुपीज अर्न करो, 20 रुपीज इन्वेस्ट कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। एक बहुत महान नाम है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, विच इज कॉल्ड वॉरेन बफे, है ना। वॉरेन बफे साहब ने ये बोला था कि मैंने 13 या 14 साल की उम्र पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था एंड आई वॉज प्रेटी लेट, है ना। उन्होंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी थी घर पे पेपर डालने से, ही वॉज अ पेपर बॉय, राइट। तो वहां पर जो इनकम मिलती थी, आई थिंक 12 या 13 साल की उम्र में उनको उसकी फर्स्ट यू नो इनकम मिली थी, और वो इनकम में से उन्होंने थोड़ा पार्ट इन्वेस्ट किया था। तो उन्होंने बोला था कि यार आई थिंक आई एम प्रीटी लेट इन दैट, मुझे थोड़ा और जल्दी कर लेना चाहिए था। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बिकॉज आज इतना पैसा है कि वो लोग
चले जाने दीजिए, मतलब इंडिया एक साल में जो खर्चा करता है वो तो उतनी चैरिटी कर देते हैं, तो जमा क्यों किया? So that is a question. But yes, he has proven himself, so we are nobody to argue that. So yes, start as early as possible. हम लोग वॉरेन बफेट जितनी वेल्थ नहीं करेंगे, बट इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने रिटायरमेंट को पेनफुल ना करें. तो एटलीस्ट जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तो हमको इकट्ठा करना ही है. द सेकेंड इज इन्वेस्टिंग रेगुलरली. अब इन्वेस्टिंग रेगुलरली तभी होगा जब इनकम फ्लो रेगुलर होंगे. दैट इज फाइन, ये भी ठीक है. कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अभी तो 25 साल की उम्र है, अभी तो कमाना शुरू किया, अभी तो मुझे सेल फोन लेना है, टैबलेट लेना है, म्यूजिक सिस्टम लेना है, टीवी लेना है, व्हीकल लेना है, कार लेनी है. इनमें से लोग ऊपर ही नहीं उठते हैं. नो द डिजायर्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड. अगर इकोनॉमिक्स पढ़ो तो इकोनॉमिक्स का सबसे पहली लाइन होती है व्हाट इज इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट. वो दुनिया का एक सत्य है ना. और अगर अपनी वांट अगर आप सेटिस्फाई करते ही रहे, देयर इज नो एंड टू इट, तो आपके पास कभी भी पैसा नहीं ही बचेगा. दैट इज फॉर श्योर. मतलब मुझे भी रोज 1 करोड़ मिल जाए तो आई कैन स्पेंड इजीली. सो क्या, सो ऐसा कुछ होता नहीं है. सो इन्वेस्ट रेगुलरली, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट जैसे मैंने आपको बोला कि द स्ट्रेटजी शुड बी दैट व्हेनेवर यू रिसीव इनकम यू हैव टू इन्वेस्ट. ये तब की बात है जब आप प्रोफेशनली कमाना शुरू करो. मे बी यू आर अ सैलरीड पर्सन, मे बी यू आर अ बिजनेस क्लास पर्सन, दैट इज फाइन. बट जब भी आप रेगुलरली कमाना शुरू करो, ऑलवेज यू नो अंडरस्टैंड दैट, मिस मत करो. है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, यार इस बार बहुत खर्चा हो गया, दिवाली में बहुत खर्चा है, एक काम करते हैं, एक मेरी SIP जाने देते, बाउंस हो गई तो क्या होगा. याद रखिए, एक बार आपने ये किया, आप ये बार बार करोगे. अगर बार बार करोगे तो रिटायरमेंट में फिर अच्छा सा मंदिर ढूंढ लेना. चलिए देन, पूजा करने के लिए यार, है ना, ठीक है. थर्ड, बिल्ड अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी का सिनॉप्सिस आ जाता है. वो ये है कि आपकी उम्र जितनी कम उतना आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा. सो इन अर्लियर ईयर्स यू नीड टू इन्वेस्ट इन द हाइएस्ट रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स. सो यू नो, अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो नथिंग बेटर देन इक्विटी. फिजिकल की बात करें तो नथिंग बेटर देन रियल एस्टेट. पर रियल एस्टेट में बहुत सारे क्लासेस होते हैं. मतलब आप रेसिडेंशियल ले रहे हो, कमर्शियल ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, फार्म ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी है. दैट डिपेंड्स अगेन ऑन द क्लाइंट साइकी, आप क्या करोगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट विद इन द अक्यूमुलेशन फेज, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी इन द इंस्ट्रूमेंट्स और इन द एसेट व्हिच हैज हाईएस्ट रिस्क. देन as life progresses, you have to change your asset allocation. So, जिसको हम बोलते हैं strategic asset allocation and क्या बोलेंगे और tactical asset allocation, है ना. ये दो प्रकार की आपकी asset allocation होती है. तो क्या करेंगे उसमें, सिंपल सी बात है. जैसे strategic asset allocation है तो मैं क्या करूंगा. जैसे if say for example today I am 30 and I want to retire at 60, है ना. सो आई नीड टू वर्क फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स. अब 30 इयर्स मुझे काम करना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओके, लेट्स इन्वेस्ट इन द हाई रिस्क असेट्स फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स. फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स आई इन्वेस्ट इन हाईएस्ट रिस्क. ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा. एवरी ईयर आई हैव टू रिव्यू माई पोर्टफोलियो. अगर कहीं कुछ गलत जाता है, आई हैव टू बैलेंस माई पोर्टफोलियो. बट majority of the fund should be invested in the high risk assets. फिर आगे के 5 साल में क्या करूंगा, अपना proportion थोड़ा debt में बढ़ा दूंगा. That means I'll transfer my asset from equity to debt. So अगर 20 years आज से अगर मैं 30 हूं तो अराउंड 50 years, अगर मेरी 90-95% asset अगर highest risk class में है तो उसमें अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसमें rebalance करूंगा, shuffle करूंगा. So अराउंड जब मैं 55 years का आऊंगा तब शायद ऐसा हो सकता है कि 60 इक्विटी में, 40 डेट में या 50-50 का बैलेंस मैं कर लू. इस तरह से मुझे एलोकेशन करना पड़ेगा. एट द एज ऑफ 55 व्हाट आई डू इज नाउ आई अग्रेसिवली ट्रांसफर माय असेट्स फ्रॉम रिस्की टू लो रिस्क और मॉडरेट एसेट क्लास. तो ऐसा हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हाट आई डू इज मेरी मेजोरिटी ऑफ द एसेट विल बी इन मॉडरेट टू लो रिस्क कैटेगरी, और थोड़ा सा पोर्शन तो मुझे इक्विटी में रखना ही पड़ेगा. बिकॉज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी सेज दैट एट एनी एज यू नीड टू हैव एटलीस्ट
15 to 20% ऑफ योर वेल्थ इन टू रिस्की असेट्स. अगर आपने ये नहीं किया तो आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने इन्फ्लेशन बीट नहीं किया तो एक्चुअली यू आर इरोडिंग योर वेल्थ, है ना? ठीक है. सो एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी स्टेज, एटलीस्ट सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी शुड बी कैप्ट इन रिस्की असेट क्लास. ठीक है. एज अर्ली एज पॉसिबल में सिंपल सी बात है, अगर वर्किंग लाइफ ज्यादा है कोई बात नहीं, आपको कम अक्यूमुलेट करना है, कम अमाउंट अक्यूमुलेट करना है, रिस्क कम लेना है. अगर वर्किंग लाइफ शॉर्टर है, यू हैव टू नो इन्वेस्ट मोर अमाउंट एंड इन्वेस्ट इवन अग्रेसिवली. ठीक है. दैट कुड बी द बेस्ट सिनेरियो वेयर यू नो क्लाइंट इज रेडी, यार मुझे नहीं लगता कि मैं मरते दम तक काम छोड़ूंगा, लाइक आ लेजेंड अमिताभ बच्चन. अगर आपने आज अगेन 9th October है, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उनको ऐसा पूछा गया था कि सर आप सिर्फ दाल रोटी खाते हो, दाल रोटी सब्जी खाते हो तो इतना काम क्यों करते हो? तो उसने ये बोला कि भाई साहब अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा शरीर और दिमाग काम करना बंद कर देगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. तो इट्स ऑलवेज बेटर यू नो वर्किंग लाइफ लॉन्ग. सो हाँ, अगर उनका जैसा आपका टेम्परामेंट है कि जब तक हाथ पैर चलेंगे, जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं काम करूंगा, दैट कुड बी द बेस्ट सिनेरियो for you and your client. You don't have to worry anything about it. हाँ, but अगर इस तरह से plan करते हो तो हमेशा याद रखना कि the personal accident risk cover should be at the highest. क्यों? क्योंकि आपने सारी चीजें इस तरह से plan करी है कि वो मरते दम तक काम करेगा. अगर वो handicap हो गया या permanent disability आ गई तो आप भी मरोगे, आपका client भी मरेगा, है ना? So take very good care of that particular aspect of life. ठीक है. देन कम्स रिस्क टॉलरेंस. ऑब्वियसली मैंने जो आपके साथ सारी यू नो स्ट्रेटजीज बात करी वो सब ठीक है, वो अपनी जगह बराबर है, बट रिस्क एपेटाइट भी एक चीज होती है. मतलब यू नो अगर आपने क्लाइंट ने 100 rupees इन्वेस्ट किया और वो 100 के 90 हो गए, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, है ना? तो इन्वेस्ट किया 100 rupees और यू नो मेडिकल का खर्चा होगा 1000 rupees, ये नहीं करना है. सो रिस्क एपेटाइट अच्छे से इवेल्युएट कर लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ you and your client both will be in a greater problem. Okay. Investment horizon की बात करें, very simple. अगर आज से आप 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल, 5 तो नहीं, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल के लिए plan कर रहे हो, without any doubt you have to take highest risk possible. But अगर आपका client कोई ऐसा goal है जो 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में उसको achieve करना है, for that never, never, never prescribe any sort of risky assets, because in a shorter time रिस्की असेट कैन बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, और फिर अगर गोल पे क्वेश्चन मार्क लग गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. इज इट फाइन? ऑलराइट. चलिए, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी. द फर्स्ट इज सेफ्टी. ऐसा ना हो कि यू नो अक्यूमुलेट करते करते ऐसा हो कि रिटायरमेंट पे पता चले कि बैलेंस में तो यार जितना कंट्रीब्यूट किया था उतना पैसा भी नहीं है. डोंट टेक दैट रिस्क. यू नीड टू कीप